गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हमारा जो इंटीग्रेशन का टॉपिक जो चल रहा है वो वाला कंटिन्यू करेंगे आज हम टाइप सिक्स कंप्लीट करेंगे सारे क्वेश्चंस एन बेस्ड करेंगे दीज आर द नाइन फार्मूलाज ऑफ दिस टाइप इनको हमने सबको लर्न कर लेना है जैसे ये वाला फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ तो इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखते हैं हम जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स माइनस सिक्सटीन तो क्या बनेगा हमारा ये दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स स्क्यर माइनस फोर होल स्केयर एक्स स्क्यर माइनस ए स्केयर वन बाय टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए दिस इज अवर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन डी एक्स अब इसको कैसे करेंगे हम इफ न्यूमिनेटर इज कॉन्स्टेंट देन कंप्लीटिंग द स्केयर कंप्लीटिंग द स्केयर तो इसको कंप्लीटिंग द स्केयर करेंगे हम एक्स स्केयर वट इज द मेथड कॉफिशेंट ऑफ एक्स इज थ्री कॉफिशंट ऑफ एक्स इज सिक्स इसका हाफ करेंगे थ्री और इसका स्केयर करेंगे थ्री का स्केयर नाइन नाइन एड और नाइन सब्ट्रैक्ट पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म साइन सेकेंड टर्म का और थर्ड टर्म किसका स्केयर है थर्टीन माइनस नाइन इज फोर एक्स माइनस थ्री होल स्केयर फोर इज स्केयर ऑफ टू अब इसको डायरेक्ट फार्मूला नहीं पुट करना हमने यहाँ पे इसको पहले चेंज करेंगे एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टी देन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी दिस इज डी टी अपॉन टी स्केयर प्लस टू स्केयर ये हमारा फार्मूला आ गया एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर इज वन ओवर ए टेन इन वर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी तो यहाँ पे टी की वैल्यू पुट करेंगे हम एक्स माइनस थ्री दिस इज अवर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री इज अब कंप्लीटिंग कास्ट केयर जो था वो आपका हो सकता है खुद एक और क्वेश्चन देखते हैं एनसीआर टी कंप्लीटिंग कास्ट केयर डी एक्स अपॉन फोर एक्स केयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ऐसा ही एक और एन क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन नाइन एक्स स्वर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव हम ये वाला डिस्कस करते हैं कंप्लीटिंग द स्केयर्स इसकी ये प्रॉपर्टी होती है अभी एक्स का जो कॉफिशेंट है वो फोर जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे वन होना चाहिए तो फोर को कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से यह आ जाएगा एक्स स्वयर माइनस एक्स प्लस थ्री बाय फोर अब इसको कंप्लीटिंग द स्केयर करेंगे कैसे कॉफिशेंट ऑफ एक्स इज वन वन का हाफ वन बाय टू फिर उसका स्केयर वन बाय फोर तो वन बाय फोर हम ऐड करेंगे और वन बाय फोर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन बाय टू होल स्केयर दिस इज थ्री माइनस वन टू बाय फोर कटिंग कर देंगे इसकी डी एक्स एक्स माइनस वन बाय टू होल स्केयर इज वन बाय रूट टू होल स्केयर तो इसको पुट करना है तो हम सीधे ही कर देते हैं इसको वन ओवर ए टेन इन एक्स अपॉन ए आपने पुट करके ही करना है इस क्वेश्चन को यादगा अंड रूट टू बाय फोर टेन इन टू एक्स माइनस वन बाई टू इंटू रूट टू प्लस सी दिस इज अवर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर अगर न्यूमिनेटर में कॉन्सटेंट वैल्यू ना हो अगर न्यूमिनेटर में कॉन्सटेंट वैल्यू ना हो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है एन सी आर टी टू एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव तो इसको कैसे करेंगे हम डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव करेंगे पहले फोर एक्स प्लस सिक्स अब जो डेरिवेटिव है उसको हम न्यूमिनेटर में सेम फॉर्म करेंगे यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे फोर एक्स है तो फोर यहाँ पे कैसे आएगा फोर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फोर एक्स प्लस एट तो ए क्वेश्चन टू पार्ट्स में डिवाइड होगा कैसे फोर एक्स प्लस सिक्स अपॉन टू एक्स स्केयर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव प्लस अब एट में से सिक्स एक साइड कर दिया दूसरी साइड कितना आ जाएगा टू अपॉन टू एक्स स्केयर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इन टू डी एक्स तो दिस इज वन बाय फोर इसको फर्स्ट टर्म को हम आई वन सपोज करेंगे सेकेंड को आई टू तो आई वन को सॉल्व करेंगे फोर एक्स प्लस सिक्स अपॉन टू एक्स स्केयर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इसकी इंटीग्रेशन सीधी याद कर लेंगे हम अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव डिनिनेटर में पड़ा है तो आंसर होगा लॉग जो टर्म डिनोमिनेटर में है, उसको लिख दो बस साथ में सी वन अब आई टू सॉल्व करनी है तो एक तो टू था एक नीचे से टू कॉमन आ गया बिकॉज ऑफ एक्सकेयर का कॉफिशेंट टू था यहाँ पे एक्सकेयर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव बाई टू ये कट हो गए, अब इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्केयर दिस इज एक्स स्केयर थ्री का हाफ थ्री बाय टू नाइन बाय फोर एड करेंगे नाइन बाय फोर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स प्लस थ्री बाय टू होल स्केयर प्लस टेन माइनस नाइन इज वन वन बाय फोर इज वन बाय टू होल स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर इज वन बाय ए वन ओवर ए मीन्स वन ओवर वन बाय टू टेन इन वर्स टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू अपॉन वन बाय टू प्लस सी टू अब इसको आगे कैसे करेंगे ये आ गया हमारा आई टू इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी टू आई वन हमारा क्या था आई वन क्या था हमारा वन बाय फोर आई वन प्लस आई टू वन बाय फोर वट इज द वैल्यू ऑफ आई वन इज लॉग टू एक्स स्क् माइनस प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव प्लस प्लस आई टू इज टू टेन इन वर्स टू एक्स प्लस थ्री सी वन और सी टू को इकट्ठा लिखेंगे हम सी तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम नेक्स्ट इसमें कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव इज इंटीग्रेशन एक्सकेयर अपॉन एक्सकेयर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री अगर पावर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो जाए फिर हम कैसे करेंगे इसको तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे वन माइनस 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 कट माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री तो इसको कैसे लिखेंगे फर्स्ट वन माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री साथ में डी एक्स तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम वन की इंटीग्रेशन होगी हमारी एक्स और बाकी सारा थ्री कॉमन निकाल देंगे आई वन सपोज कर लेंगे तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्या करेंगे इसको आई वन को सॉल्व करेंगे व्हाट इज आई वन आई वन इज इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री तो अभी इसको सॉल्व करना हमने देखा था कैसे करना है नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव देखेंगे वो क्या होगा टू एक्स प्लस थ्री तो टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री साथ में डी एक्स अभी यहाँ पे कैसे करेंगे हमें तो साथ में थ्री चाहिए तो वन ऐड वन सब्टेक्ट तो वन बाय टू टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री साथ में डी एक्स अब चेंज करने के बजाय इसको यहाँ पे अब इकट्ठा सॉल्व करेंगे पहले कम्प्लीटिंग दस केयर करेंगे फिर इकट्ठे आंसर लिखेंगे इसकी कंप्लीटिंग दस केयर करेंगे थ्री का हाफ थ्री बाई टू नाइन बाई फोर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री माइनस डी एक्स एक्स प्लस थ्री बाय टू होल स्केयर ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन इज थ्री रूट थ्री बाय टू होल स्केयर अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वन बाय टू ये बन जाएगा हमारा लॉग थ्री एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर इज वन ओवर ए तो टू अपॉन रूट थ्री टेन इन वर्स टू एक्स प्लस थ्री अपॉन रूट थ्री प्लस सी वन अब हमारा आई क्या था आई इज इक्वल टू वो था एक्स माइनस थ्री बाय टू टू ये आ गया यहाँ पे इन टू लॉग एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री माइनस टू रूट थ्री टेन इन टू एक्स प्लस थ्री अपॉन रूट थ्री प्लस सी नेक्स्ट देखते हैं अब सेम क्वेश्चन सारे अनरूट में आएंगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी एक्स है ये एट प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स के और एक ये एक वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी है इंटीग्रेशन सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्केयर इसको भी कर सकते हैं हम ये भी क्वेश्चन एन सी आर टी है फाइव एक्स स्केयर माइनस टू एक्स एक और एनसीआरटी क्वेश्चन टू एक्स माइनस एक्स स्केयर अगर न्योमिनेटर में कांस्टेंट वैल्यू है तो हम क्या करेंगे कंप्लीटिंग द स्केयर अब यहाँ पे हम सबसे पहले x के कॉफिशेंट को वन करेंगे ब्रैकेट माइनस कॉमन एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स माइनस एट अब इसको कैसे करेंगे डी एक्स माइनस एक्स स्केयर थ्री का हाफ थ्री बाय टू स्केयर नाइन बाय फोर नाइन बाय फोर एड नाइन बाय फोर सब्ट्रैक्ट दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडरूट माइनस फर्स्ट टर्म साइन सेकेंड थर्ड टर्म होल स्केयर थर्टी टू माइनस नाइन इज फोर्टी वन अपॉन फोर ये आ गया हमारा अब क्या करेंगे यहाँ पे माइनस को एडजस्ट करेंगे ये आ जाएगा अंडरूट रूट फोर्टी वन अपॉन टू होल स्केयर माइनस एक्स माइनस थ्री बाय टू होल स्केयर तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया एक्स ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर तो वट इज ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर वन ओवर ए ए स्केयर माइनस एक्स इज साइन इन एक्स अपॉन ए नॉट वन ओवर ए साइन इन एक्स अपॉन ए टू एक्स माइनस थ्री बाय टू इंटू टू बाय रूट फोर्टी वन प्लस सी तो ये कैंसल आंसर इज साइन इनवर्स टू एक्स माइनस थ्री अपॉन रूट फोर्टी वन दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्केयर रूट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन सी आर टी फॉर्म अब न्यूमिनेटर में ओनली वन टर्म हो एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस फाइव ये भी एनसीआर टी है एक्सकेयर प्लस फोर एक्स प्लस वन अगेन एन सी आर टी एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव अगेन एन सी आर टी तो कैसे करेंगे ओनली कंप्लीटिंग द स्केयर टू एक्स प्लस फाइव अब इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्केयर हाफ कपिशन टू का एक्स का ऑप्शन टू टू का हाफ वन वन का स्केयर वन तो इसको कैसे करेंगे एक्स प्लस वन होल स्केयर प्लस टू होल स्केयर डी एक्स एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर इज वट इज द फार्मूला ये हमारे पास इसका फार्मूला था अनूड में एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर तो ये सारा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम क्या है एक्स इंटू अनूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाई टू प्लस ए स्केयर बाय टू मीन्स टू स्केयर इज फोर बाय टू लॉग एक्स प्लस अंडरूट ऑफ एक्स प्लस वन होल स्केयर प्लस फोर प्लस सी तो दिस इज अवर आंसर नेक्स्ट इसमें कौन सी टाइप आएगी अब इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर एट इज अगर हमें न्यूमिनेटर में कांस्टेंट वैल्यू ना गिवन हो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है एन सी आर टी स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस टेन तो अभी इसको हमने सॉल्व किया था विदाउट रूट जो रूट वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव देखेंगे टू एक्स प्लस फोर तो सबसे पहले फाइव कॉमन निकाल देंगे एक्स प्लस थ्री फाइव अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमें यहाँ पे टू चाहिए तो टू एक्स प्लस सिक्स बाय फाइव एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस टेन अब फोर ऐड कर देंगे फोर सब्ट्रैक्ट कर देंगे अब ये आएगा हमारा फाइव बाय टू टू एक्स प्लस फोर इकट्ठा कर देंगे और सिक्स बाई फाइव माइनस फोर इज ट्वेंटी माइनस फोटीन बाई फाइव इसको आउटसाइड कर देंगे अगर इसको इकट्ठा करना है हमने तो ये बनेगा टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स प्लस टेन डी इसको कंप्लीटिंग द स्केयर फिशंट ऑफ एक्स इज फोर फोर का हाफ टू टू का स्केर फोर फोर एड फोर सब्ट्रैक्ट तो ये बनेगा हमारा फाइव बाय टू टू एक्स प्लस फोर माइनस फोर्टीन बाय फाइव दिस इज एक्स प्लस टू होल स्केयर प्लस रूट सिक्स होल स्केयर अब इस पे लॉग वाला फार्मूला और यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्केयर के बाद जो फार्मूला बनेगा वो अप्लाई करते हैं अब ये बनेगा फाइव बाई टू उसका इसका डायरेक्ट फार्मूला अगर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर हो साथ में अनरूट डाला हो तो लिखेंगे टू रूट एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस टेन माइनस फोर्टीन फाइव एक्स प्लस ए रूट में वो होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर तो दिस इज आवर आंसर तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टाइप का दैट इज इंटीग्रेशन एक्स प्लस माइनस वन एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन अब इस क्वेश्चन में हम इसको सबसे पहले इसका डेरीवेटिव देखेंगे एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन का दिस इज टू एक्स प्लस वन तो टू के साथ मल्टीप्लाई टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन साथ में डी तो टू एक्स प्लस वन हमने कर दिया माइनस वन मीन्स माइनस थ्री तो ये आएगा हमारा वन बाय टू टू एक्स प्लस वन रूट एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन साथ में डी एक्स माइनस थ्री आउटसाइड एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन अब इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा हमारा इकट्ठा ही सॉल्व करेंगे तो इसको कंप्लीटिंग द स्केयर एक्सकेयर एक्स का कॉफिशियंट वन वन का हाफ वन बाय टू वन बाय स्क्र वन बाय फोर तो वन में से वन बाय फोर माइनस करेंगे थ्री बाय फोर साथ में डी एक्स तो ये आएगा हमारा वन बाय टू इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस वन रूट एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन साथ में डी एक्स माइनस थ्री रूट एक्स प्लस वन बाय टू होल स्केयर प्लस रूट थ्री बाय टू होल स्केयर अब दोनों के फार्मूले अप्लाई करेंगे जैसे कि ये वाला अब इसको पुट्ट करेंगे इसका डेरिवेटिव आगे है तो टी रेस पावर वन बाय टू थ्री बाय टू बाय थ्री बाय टू तो ये बनेगा वन बाय टू इन टू थ्री बाय टू मीन्स टू बाय थ्री एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन रेज पावर थ्री बाय टू एक तो ये सॉल्व हो गया डायरेक्ट माइनस थ्री बाय टू इसका फार्मूला एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर अनरूट में अभी हमने किया तो क्या फार्मूला है वो काफी बड़ा है एक्स अंडरूट में एक्स प्लस वन बाय टू होल स्केयर प्लस रूट थ्री बाय टू होल स्केयर अपॉन टू पहले तो ये लिखेंगे अभी साथ में लिखेंगे ए स्केयर बाय टू मीन्स थ्री बाय फोर और साथ में टू एक और लिखना है थ्री बाय एट लॉग एक्स प्लस वन बाय टू होल स्केयर और साथ में ये सारी टर्म अनरूट में एक्स प्लस वन होल स्केयर प्लस रूट थ्री बाय टू होल स्केयर प्लस सी इसके साथ आज का ये हमारा काम जो इंटीग्रेशन का था वो कंप्लीट है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें थैंक यू बाय